जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ये राजीव गांधी से अल्फाज सन। राहुल गांधी आज विदेश की धरती से जाके कहता है कि सिखा नू इत्थे आजादी नहीं होएगी, पगड़ी दी, किरपान दी, कड़े दी। भुल गया साडे इतिहास नू, भुल गया साडे इतिहास नू। सानू इस देश में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। असी अपनी पग्गां भी पा के जाने, कड़े भी पा के जाने, किरपाना भी पा के जाने, हर थां ते जाने। अज वो सानू चैलेंज करता है, वो मन च मंशा है कि सानू वो जान नहीं देगा। इस तरह वो भुल करता है। दिल्ली का सिख ही बहुत है, दिल्ली का सिख ही उन्होंने दस देगा कि दिल्ली का सिख कितना काबिल है, अपने पैरों से खड़ा है। अगर वो 84 करा के अपने आप से घमंड करते हैं तो अपनी दादी का इतिहास भी देख लैन और राजीव गांधी का इतिहास भी देख लैन। राहुल गांधी को तो यह भी नहीं पता कि तेरी दादी ने जो किया सबक मिले। इस करके मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को कि अभी सारे मिलके राहुल गांधी बाज आ जा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होगा राहुल गांधी जो तेरे दादी का हाल होया। इस करके मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग तो जो मेंबर आए और रानी जी आए। हमारा ये है कि जो राहुल गांधी ने वहाँ पर सिखों की पगड़ी पे जो हमला किया है उसके लिए वो बाज आए और सिख जो है अपनी पगड़ी के लिए जान दे सकते हैं। तो राहुल गांधी ने ये जो किया उसके लिए माफी मांगी जी। राहुल गांधी जो कि अपने आप को प्रधानमंत्री कैंडिडेट बताते हैं, यूएसए के अंदर जाके हमारे सिखों के बारे में गलत टिप्पणियां कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ गुरुद्वारे नहीं जा सकते, हम लोग यहाँ पगड़ी नहीं सजा सकते, हम लोग यहाँ कड़े नहीं पहन सकते। आपके सामने कौन सा सिख दिल्ली का जो गुरुद्वारा नहीं जाता होगा? कोई पाबंदी नहीं है हमारे ऊपर, हम कड़े पहनते हैं और दस्तार से जाते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे जो अपने आप को चीफ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कहते हैं। ऐसे बद्दा जिंदगी में सोच भी नहीं सकते कि यहाँ तक पहुंचे वो लोग। 47 में इन्होंने क्या किया हमारे साथ ये जग जाहिर है। 84 के अंदर इन्होंने हमारी माओ बहनों की इज्जत उछाली, गले में टायर डाल डाल के लोगों को जिंदा जलाया, फिर भी इनको शर्म नहीं। और आज ये नहीं चाहते कि मोदी जी की सरकार के अंदर हम सुरक्षित हैं, हम खुश हैं, फिर भी गलत प्रतिक्रिया दिन बर दिन दे रहे हैं। संगत इनको माफ नहीं करेगी, सिख संगत बिल्कुल खिलाफ है इनके। और आने वाले टाइम के बाद अपने सपने छोड़ दें कि आने वाले टाइम के अंदर कहीं आगे बढ़ेंगे। जो इनकी दादी का हाल, जो राजीव गांधी का हाल हुआ है, भगवान ना करे इनका भी हाल हो, तो इनको सोच समझ के टिप्पणी करनी चाहिए कि सिखों के बारे में क्या बोलना चाहिए। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।